सो गाइस मेरा 1 वीक चैलेंज चल रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग को 1 वीक के अंदर आप लोग को जितने भी आसपास में जो सुनाड़े के अंदर जितने भी प्लेस होगा जो देखने वाला चीज़ आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस आज का ब्लॉग होने वाला है जो हेचर का पंप हाउस जहाँ चिका पार्क के पास पड़ता है जो एनएड रोड में वहीं पर जाकर आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो गाइस देर ना करके चलते हैं वहीं पर पंप हाउस में और वहाँ पर मिलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। हाउस है दिख रहा होगा और बहुत दूर से आप लोग को दिखा नहीं होगा, वो है जो कोरापुट जाने का जो गटुडा रोड, वो उसका भी मैंने वीडियो ऑलरेड बना चुका हूँ, आप लोग देखा नहीं तो देख सकते हैं। और हम लोग अभी नीचे जाके आप लोग को दिखाएंगे कि पास से थोड़ा आप लोग को देखने का थोड़ा मज़ा आएगा। तो देख लो ऊपर से थोड़ा व्यू कैसा आता है, पहले वो आप लोग को दिखाता हूँ। देख सकते हैं कि थोड़ा इतना बड़ा नहीं है लेकिन तो आप लोग को पता नहीं होगा पानी कहाँ से आता है, वो तो आप लोग को थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। पहले से वो वाला टैंक था वो तो नालकों में देता है लेकिन एचएल के लिए थोड़ा पानी कम पड़ रहा था शायद, मैं सुन नहीं पाया, तो इसलिए ये वाला पंप हाउस बना गया है। और यहाँ से देख सकते हैं वो है हमारा जो एचएल का टेस्ट हाउस जहाँ इंजन को टेस्ट किया जाता है। और ये है चिकापार विलेज और ये नदी, तो मैं अभी नीचे जाके थोड़ा पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए थोड़ा पास में जाके आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ से जो पंप हाउस के जाने के लिए अलाउड नहीं है, ये है गेट और वहाँ पे जाने के लिए अलाउड नहीं करते बाहर लोगों को, बाहर वाले को, तो इसलिए मैं साइड से जाके आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ जितना हो सके। तो थोड़ा जूम भी करके दिखा देता हूँ तो कितना बढ़िया लग रहा है देखने को। अंदर भी कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा बहुत बड़ा बड़ा जो पानी वाला मोटर लगा होगा उतना ही। तो चलिए साइड से आप लोग को दिखा देता हूँ अंदर और क्या देखना, मैं साइड में भी तो थोड़ा पास से देखने को मिल जाता है। और ये देख सकते हैं तो आप लोग को दूसरे ट्रेन रोड की तरह लग रहा होगा, रेलवे की तरह, लेकिन रेलवे नहीं है। थोड़ा उसका नीचे भी जाकर आप लोग को दिखा देता हूँ कि अंदर से कैसे दिखता है। और ये देख सकते हैं सुनार का बहुत बड़ा नदी। चलिए अंदर यहाँ पे स्ट्रेट लग रहा है और ये हम लोग नीचे आ चुके हैं। और यहाँ पे कोई लोग आके कुछ खाना वाना पका के खा के गया हो और हम लोग थोड़ा पानी के पास जाते हैं। हम तो पैदल लास्ट तक भी जा सकते हैं, ऐसे यहाँ से ऐसे चल चल के लास्ट तक जा सकते, लेकिन क्यों इतना दूर जाना है, थोड़ा रिस्क क्यों लेना है, थोड़ा मोबाइल वोबाइल गिर जाए तो दोबारा नहीं मिलेगा, एक ही मोबाइल है मेरे पास। मछली दिख रहा है क्या? हाँ ठीक, यहाँ पे जल डालोगे तो बहुत बड़ा बड़ा मछली भी निकलेगा लेकिन
हमारे पास शक्ति कहाँ है, कहाँ से मछली पकड़ेंगे, थोड़ी ना हमको मछली पकड़ने का वीडियो देखना है, हम तो यहाँ के पंप हाउस देखना है। तो देख लीजिए, ये था हमारा सुनाड़ा हेचर में जो पानी सप्लाई करता है उसका पंप हाउस, और दूसरा तरफ दिख रहा है जो गाटुड़ा ब्रिज, उसका भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ। बंदर जी घूम रहे वहीं पे। यह है थोड़ा पंप हाउस का जो कंट्रोल रूम होता है, शायद यही लगता है। और यहाँ से जाके वहाँ पे बड़ा बड़ा मोटर लगा हुआ है, दिखा होगा वो पंप हाउस। और यही था मेरा जो पंप हाउस वाला वीडियो। तो वैसे आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और नदी भी देख सकते हैं, ये से नदी से जाके हमारा जो कोलाब डैम है ना, वहीं पे जाके लगता है ये नदी। तो दोस्तों यही था मेरा जो पंप हाउस वाला ब्लॉग। तो वैसे आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट बताना, और जो नया है मेरी चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं कल वाला वीडियो में। जय हिंद।